राजधानी देहरादून से खबर है, जहां राज्यपाल ने निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरक्षण के विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद सरकार को अब आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगा और शीघ्र ही नगर निकाय चुनाव होंगे। लेकिन लगता नहीं है कि सरकार शीघ्र ही नगर निकाय चुनाव कराएगी, क्योंकि आरक्षण के आने में अभी समय है और गेंद अभी सरकार के पाले में है और चुनाव कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। विधेयक को मंजूरी मिली है, आरक्षण का जो विधेयक गया था राजभवन, उसको मंजूरी माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगी, सरकार प्रस्तुत करेगी और ये उम्मीद करते हैं शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन लगता नहीं कि सरकार जल्दी नगर निकाय के चुनाव करेगी, क्योंकि आरक्षण के आने में भी अभी समय है, फिर उसमें आपत्तियां आएंगी, उसके बाद भयंकर ठंड का प्रकोप भी है, बोर्ड के पेपर भी है, तमाम तरह की नई घटनाएं होंगी। देखना है सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि गेंद सरकार के पाले में, चुनाव कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है, चुनाव टालते जा रही है, देखते हैं कब तक चुनाव कराती है।